तो मॉडलिंग पोलोराइड्स क्या होते हैं, क्यों इतना ज़रूरी हो गए हैं पोलोराइड्स, उसको घर पे कैसे शूट करें, किस टाइप के आउटफिट्स होने चाहिए, क्या मेकअप होना चाहिए, सारी डिटेल्स के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। Hi guys, welcome back to my channel. मैं हूँ प्रवीण भट्ट, I'm a celebrity fashion and advertising photographer based out of Delhi. तो Polaroids भैया ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं और बहुत सारे हमारे aspiring models मेरे को Instagram पे या YouTube पे message करते रहते हैं कि सर Polaroids का पूरा जो ये तामझाम है ये है क्या, क्या actually करना है इन Polaroids को करने के लिए. सो आज इस वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात करने वाले हैं जिससे आप बढ़िया से बढ़िया Polaroids जो हैं अपने घर पर खींच के एजेंसीज वगैरह को आगे सर्कुलेट कर सकते. तो सबसे पहले पोलोराइड होता क्या है, क्यों आपको मॉडलिंग के लिए ये पोलोराइड्स की जरूरत पड़ गई है. सो देखो गाइस, पहले एक टाइम होता था जहां पे चीजें जो बहुत नॉर्मल होती थी, लोग फिल्म कैमरा से शूट करते थे, प्रिंट कराते थे, एजेंसीज में देते थे, मॉडलिंग एजेंसीज, मॉडल कोऑर्डिनेटर्स या कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास आपकी फोटोज जाती थी. अब क्या है कि अब जब से डिजिटल वर्ल्ड हो गया, सो फोटोज में यू नो फोटोशूट जो आप कराते हैं उसके बाद बहुत सारे अब फ़ोन के अंदर भी फ़िल्टर्स आने लग गए हैं. तो जितने भी मॉडल्स हैं या एक्टर्स हैं अपनी फ़ोटोग्राफ्स में कहीं ना कहीं फ़िल्टर लगा के या ओवर एडिटिंग करके एजेंसीज वगैरह को भेजते हैं. सो पोलोराइड्स भेजने का मतलब क्या है कि जितना कम से कम आपने मेकअप किया है, जितना कम से कम आपने उन पर रीटचिंग करी हुई है, जितना कम से कम आप कहते हैं ना जो आप हैं उससे आप डिफरेंट नहीं दिख रहे, तो पोलोराइड्स उनको बोलते हैं. और एजेंसी जो है बेसिकली देखो, आज जैसा मैं हूँ या हम में से जो भी लोग हमारे यहाँ YouTube फैमिली पे लड़के लड़कियाँ वीडियो देख रहे हैं, जैसा आप दिख रहे हैं नॉर्मल दिखते हैं, बट डेफिनेटली एक अच्छा मेकअप, एक अच्छा हेयर स्टाइलिंग, अच्छा वार्डरोब, सब चीज़ें चेंज करने के बाद आपका जो लुक है पूरा का पूरा इन्हेंस हो जाता है, चेंज हो जाता है. सो पोलोराइड्स का मतलब क्या है कि भाई जब हम एजेंसी वाले फोटो देख रहे हैं कह रहे हैं ओके ठीक है, नॉर्मल ये जो है नॉर्मल में लड़का या लड़की ऐसे दिखते हैं, जो कि ना ओवर हो रखा है, ना ओवर एडिट हो रखा है, ना एक्स्ट्रा उस पर स्मूदनिंग हो रखी है, ना कोई फिल्टर हुआ है. सो ये इनको बोलते हैं हम पोलोराइड. अब घर पे आप हैं तो पोलोराइड शूट कैसे करना है. देखो सबसे पहले तो घर के किसी मेंबर को भी आप पकड़ के बोलें कि मेरे को कहीं पे किसी कॉर्नर पे घर पे जहां पे आपकी अच्छी लाइट आ रही है, नेचुरल लाइट जहां आ रही है, वहां पे आप खड़े होकर अपने पोलोराइड खींचें. मेरा माने तो मतलब मेरा सजेशन रहेगा, बैकग्राउंड शुड बी वाइट, क्लीन बैकग्राउंड हो. सपोजिंग अभी भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरे पीछे एक ग्रे बैकग्राउंड है, सो मेजरली मैं और पीछे जो ये वॉल है यही चीज़ें हैं जो आप अभी तक पूरे फ्रेम में एज अ ह्यूमन आई आप ये देख पा रहे हैं. बट जितनी जितनी चीज़ें मैं ऐड ऑन करता रहूँगा, पीछे सोफे, चेयर, टेबल, टीवी, फर्नीचर, सब कुछ, तो हर जगह जो है फोकस आपका जो है मेरी तरफ से बट के इन चीज़ों में चला जाएगा. सो जितना प्लेन बैकग्राउंड होगा वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप यू नो एजेंसी के सामने आपको प्रेजेंट करने के लिए, और जितना नेचुरल लाइट आएगी वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके स्किन, आपके फेस, आपके फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए. सो अगर आप घर पे फोटोज़ कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि किसी डार्क एरिया में फ़ोटोज़ ना खींचें. कोई बालकनी एरिया है आपका जहाँ पे आपको नॉर्मल नेचुरल लाइट मिल रही है वहाँ पे आप खड़े होकर शूट कर सकते हैं, टेरेस पे शूट कर सकते हैं, या कोई घर पे आपके वाइट चादर कपड़ा मिल जाता है उसके अगेंस्ट खड़े होकर आप अपने पोलोराइड शूट कर सकते हैं, और फैमिली मेंबर को किसी को भी बोल के आप आराम से वो शॉट्स निकाल सकते हैं. बात करें किस टाइप के कपड़े आपको डालने जब अपना पोलोराइड जब घर पे शूट कर रहे हैं, सो मेक श्योर दैट यू वेयर अ गुड फिटेड जीन्स, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी. जो आपकी जीन्स है वो फिटेड होनी चाहिए, और अगर लड़कियाँ चाहें तो वो शॉर्ट्स भी डाल सकती हैं. जो अपर आपका वेयर होगा दैट अगेन शुड बी फिटेड. आप स्पेगेटी डाल सकते हैं, गंजी डाल सकते हैं, आप टी शर्ट्स डाल सकते हैं लड़कों के लिए भी, ब्लैक टी शर्ट, व्हाइट टी शर्ट, न्यूट्रल कलर रखने हैं, ज़्यादा लाउड कलर नहीं करने. जैसा मैंने पहले कहा, जितना प्लेन रहेगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा. मेजर जो हमारा मोटिव है पोलोराइज करने का वो यही है कि सारा का सारा ध्यान जो है वो आप पे रहे, ये ना हो कि पूरा ब्लिंगी से हमने कपड़े डाल लिए और सारा ध्यान हमारा वहाँ जा रहा है. जितने बॉडी फिटेड आप कपड़े डालेंगे, बॉडी फिटेड मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी फ़ोटोज़ एजेंसी वालों के पास जाएगी, कोऑर्डिनेटर्स के पास जाएगी, वहाँ उनको आपके बॉडी स्ट्रक्चर का पता चलेगा. अब सपोजिंगली अगर आपने बैगी कपड़े डाल लिए, खुले हैं कपड़े, बेल बॉटम्स हैं, लूज़ है सब कुछ, तो आपके बॉडी का, आपके फिगर का कुछ पता नहीं चलेगा. इसलिए जितने फिटेड क्लोथ्स होंगे, अगर आप देखेंगे मिस्टर इंडिया की बात करें, मिस इंडिया की बात करें, जब ये पैजेंट्स भी होते हैं तो लड़कियों को ये एकदम फिटेड क्लोथ्स पहना के, स्पेशली जो इनिशियल राउंड होता है जहाँ पे सिलेक्शन होती है, वहाँ पे गंजी डाली होती है, स्पेगेटी टॉप्स होती हैं, ब्लैक या वाइट
वाइट कलर के, बहुत ही बेसिक कलर्स होते हैं, एंड जितना ज्यादा आप बॉडी को अपना हाईलाइट कर पाएंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। वेल, अगली हमारी इंपॉर्टेंट बात है कि मेकअप कैसे रखना है। सो वेल, मेकअप हमने उतना ही रखना है जितना आप कहते हैं ना, मिनिमम से मिनिमम हो। और अगर आपके कोई पिंपल्स हैं आप उनको हाइड कर लें, अगर आपके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं आप उनको हाइड कर लें। ओवर नहीं करना, ये ना हो कि आप काला आई शेडो, डार्क आइज करके, लाउड लिपर लगा के आप एजेंसीज वालों को भेजें। सिंपल घर पे जैसे उतना मिनिमम टू मिनिमम बेसिक मेकअप में आप अपना जो पोलोराइड है वो शूट करें, एंड उसके साथ साथ आपका हेयर स्टाइल भी जितना नेचुरल है वही भेजें। ये ना हो कि आप अगर आपके नॉर्मल हेयर है, आपने उनको कर्ल्स करा लिए हैं, कर्ल्स है तो उनको स्ट्रेट करा लिया है, जो आपकी एक नेचुरल लुक है। सपोजिंगली अगर मैं बोलूँ यार हाँ एक घंटे बाद ऑडिशन है आ जाओ, तो जैसे आप नॉर्मल दिखने वाले हो पोलोराइज आपके वैसे ही होने चाहिए, बेसिक होना चाहिए। और मेकअप जैसे मैंने कहा बिल्कुल लाउड ना हो, कपड़े लाउड ना हो, मेकअप ज़्यादा लाउड इसलिए ना हो क्योंकि उससे जो भी आपकी जो नेचुरल चीज़ें हैं वो ज़्यादा फिर छुप जाएंगी। लाइट की जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, तो मेक श्योर करना है कि फेस पे प्रॉपर लाइट हो। ये ना हो कि आधे फेस पे लाइट आ रही है आपके, कि आपने ऐसा कॉर्नर लिया हुआ कि भाई जहाँ पे आधा शेड आ गया आधी लाइट हो गई। प्रॉपर फेस लिटअप होना चाहिए, उसी कॉर्नर में जाके आपने शूट करना है। और बहुत बार ये सवाल भी लोग पूछते हैं कि सर हमारे पास DSLR नहीं है तो हम फोटोज़ कैसे खींचे, हम एक अच्छा क्या कहते हैं कि पोलोराइड एग्जैक्ट कैसे खींच पाएंगे अगर हमारे पास प्रोफेशनल कैमरा नहीं है। सो अगर आपके पास एक घर पे अच्छा स्मार्टफोन भी है तो आप अच्छे स्मार्टफोन के साथ भी बढ़िया फोटोज़ निकाल सकते हैं। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि महंगा कैमरा से ही आपको घर पे पोलोराइड खींचना है। नॉर्मल कैमरा होगा जिसका पिक्सलेशन अच्छी होगी, जिसके अच्छे क्लैरिटी वाले शॉट्स आते होंगे, आप उनके साथ डेफिनेटली शूट करके अपने पोलोराइड एजेंसी को भेज सकते हैं। किस टाइप के शॉट्स आपने भेजने, तीन टाइप के शॉट्स पोलोराइड में आपने भेजने हैं जब आप शूट के लिए रेडी होंगे। पहले अगर बात करें क्लोजअप्स की, वो रहेंगे आपके टाइट शॉट्स यहाँ फेस तक के, जहाँ पे सारा का सारा आपका जो फेस स्ट्रक्चर है, फेस एंगल जो है, फेस की ब्यूटी जो है, वो सारी क्लाइंट को समझ आए। सेकंड शुड बी द मिड शॉट्स, जो कि हमारे वेस्ट तक के हो जाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि फेस के साथ साथ मिड शॉट्स भी आप भेजेंगे, थोड़ा बॉडी का पता चलता है, बॉडी लैंग्वेज का पता चलता है। और तीसरा शुड बी द फुल लेंथ शॉट्स। सीधा सीधा सारे शॉट्स मत भेज देना कि ऐसे खड़े होकर सारे पोलोराइड्स बना दे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में जरूर शूट करना, अपने राइट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल, एंड साथ में स्माइलिंग शॉट्स भी जरूर रखना। जैसे मैंने पहले कहा था कि भैया ओवर फिल्टर मत करना। और एक और चीज़ जो मुझे लगता है, जितनी बार भी मैंने कहीं अपने सोशल मीडिया पे कभी मॉडल्स वांटेड या मॉडल रिक्वायर्ड की एड डाली है, तो बहुत सारे मॉडल्स लड़के लड़कियां हमको सनग्लासेस की पिक्चर्स भी भेजते हैं। तो कभी भी अपने पोलोराइज में और पोर्टफोलियोज में आप सनग्लासेस ऐड मत करना। पोर्टफोलियो से याद आया, जितने भी लोग ये पूछते हैं कि हमें आपके साथ पोर्टफोलियो कराना है कैसे करें, ये स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपना पोर्टफोलियो मेरे साथ बुक कर सकते हैं। सो आज का जो ये वीडियो रहा, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करी जो आपको पता होनी चाहिए पोलोराइड्स को लेके। आई होप आपको ये समझ आया हो। कैसा लगा वीडियो नीचे लाइक कमेंट करके जरूर बताना। एंड जैसे लास्ट टाइम बोला, हर वीडियो में बार बार बोलता रहूंगा कि भैया हर बंदा जो ये वीडियो देख रहा है नीचे कमेंट और लाइक जरूर करेगा। इंस्टा फैमिली ये रहा लिंक, अगर आपने ज्वाइन नहीं करा जरूर ज्वाइन करना। अगले किस टॉपिक पे चाहते हैं वीडियो लेके आए वो भी नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। एंड आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वन। बाय बाय।